जो गंगा में आए, अगर गंगा में आवे, अगर कोई कोई हमारी माँ पे आगे कोई गंदगी फेंकेगा तो कैसे लगेगा? यही हमारे माँ, अगर कोई गंदा करेगा तो सुनो हमारी माँ पे मार रहे हैं। अरे माय गॉड, पूरी रोड बेकार हो गई है, पूरा रोड टूट गया, पूरा रोड मिट्टी धस रही है। वो कहते हैं ना, मंजिल से इम्पोर्टेंट सफर होता है, बट मेरे साथ कुछ अलग ही खेल हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो भाई लोग, अभी हम आए त्रिवेणी घाट, मॉर्निंग व्यू इंजॉय करने आए त्रिवेणी घाट पे। रात को ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे हम लोग, बहुत काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमें नींद आ गई थी तो हम लोग सो गए थे। खाना वाना खा के अपना होटल में जाके, तो अभी हम मॉर्निंग में त्रिवेणी घाट आए हैं। त्रिवेणी घाट का आपको व्यू दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पर बहुत लोग नहा रहे हैं, पर पानी गंगा जी का फ्लो इस टाइम बहुत ज़्यादा है। रिकमेंडेशन ये है कि जब फ्लो ज़्यादा हो तो ज़्यादा अंदर ना जाए, डूबने के चांसेस है, सीधा आप हरिद्वार मिलोगे। बाबूलाल पूरा इंजॉय करते हुए, योगा करते हुए अभी दिखाते हैं आपको अच्छे अच्छे व्यूज। हे गाइस, यहाँ नमामि गंगे के तहत गंगा जी की सफाई करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो गंगा जी की सफाई करें। यहाँ लोग आते हैं, अपने कपड़े अपड़े बाल वाल सब फेंक जाते हैं, ये बहुत गलत है। गंगा जी को आपको साफ करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये देखिए, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, अभी दिखाते हैं आप लोगों को उनकी मेहनत। और ये इसका चिप्स का, ये देखिए रैपर, चाय के गिलास भी पड़े हैं भाई, ले उठाऊंगा। ये देखिए चिप्स के, ऐसे लोग मन बुद्धि हैं यहाँ पे जो खाते हैं और चिप्स का रैपर यहाँ फेंक देते हैं, और हम लोगों को सेवा का साफ करना पड़ता है। यही निवेदन है कि भैया माँ गंगा के तट पर आते हैं, माँ गंगा का स्पर्शनीय सुंदर बनाए, मेरा यही निवेदन है। गंगा माँ पे आते हैं गंदगी ना करें। किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकप्रिय हरिद्वार सांसद पूर्व एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में चलाया जाता है। माँ गंगा की सेवा कितने सालों से कर रहे हैं? ये अभियान हम 6 वर्ष से चला रहे हैं। 6 वर्षों से? हाँ, 6 वर्ष से चला रहे हैं ये अभियान। प्रत्येक हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक माँ गंगा के तट पर हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। अभी आज तक हमें ना किसी का सहयोग मिला, ना प्रशासन, ना शासन का, हम लोग खुद ही करते हैं, जो भी करते हैं हम लोग ही बोलते हैं, जो गंदगी करते हैं हम लोग ही पूरी टीम के साथ जो है पूरा सहयोग करके, जो भी टीम यहाँ गंदगी करते हैं हमारी पूरी टीम जो है एकजुट होकर हम उसको। कहाँ कहाँ से आपके साथ टीम से? मैंने सुना हमारे संज्ञान में आए कि बड़े दूर दूर से आपके साथ हमारी टीम में श्यामपुर से हैं, श्यामपुर से आते हैं, कोई एडिमिल से आ रहे हैं और कोई ढालवाला से आ रहे हैं, हर क्षेत्र से आते हैं। कोई मुनिग्री ढालवाला से हो गया है आपका। एक बार मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपना टीम, अपना और अपनी टीम का परिचय दें। मैं स्पर्श गंगा टीम का संयोजक हूँ, मेरा नाम रमन जोनी लांबा है और मेरे स्पर्श गंगा टीम का प्रभारी है प्रिंस गुप्ता। ये जो हम दोनों जुड़ के मिलजुल के हमने दोनों भाइयों ने मिलके जो है ये स्वच्छता का अभियान चलाया था, हमने 6 साल पहले चलाया था, तो तब से हमने भाई और बहनों को हमने कैसे कैसे हमने जोड़कर ये माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हमने पूरी टीम को एकजुट करा कर दिया। तो आगे आप क्या मांग करते हैं? मेरा किसी से कुछ मांग नहीं, मेरा ये कहना है जो गंगा माँ के द्वार पर आते हैं वो गंदगी ना करें, माँ गंगा को स्वच्छ कर लें। ये गंगा माँ है, यहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ गंगा माँ को गंदगी करेंगे अच्छा लगेगा। यहाँ पर कई बार मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ये गंगा माँ है, अगर गंगा माँ में अगर कोई कोई हमारी माँ पे आगे कोई गंदगी फेंकेगा तो कैसे लगेगा? यही हमारे माँ, अगर कोई गंदा करेगा तो समझो हमारी माँ पे मार रहे हैं। लास्ट में जाना गया है हमने इस माँ का गंगा के दरबार जाना है ना, इसलिए माँ गंगा को स्वच्छ किए और सुंदर बनाइए। आपके द्वारा यहाँ पे ये अभी को मिशन मर्यादा के तहत जो कराया गया था, मिशन मर्यादा का हम सहयोग कर रहे हैं। इस टाइम उत्तराखंड के अशोक कुमार जी, DGP अशोक कुमार जी हैं, उन्होंने मिशन मर्यादा का वो चलाया है नशा का, और जो भी हमारे गंगा माँ के तट पर जो भी अगर नशा करता है मिशन मर्यादा का सहयोग करके हम उसको पकड़ के पुलिस को सौंप रहे हैं। कोई भी गंगा माँ के तट पर या गंदगी या दारू का कुछ भी सेवन करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। सो गाइस, ये वॉलंटियर टीम के हेड थे, इनकी भी रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ पे आए
तो गंगा जी को गंदा ना करे, जो आप सामान लाए और अपने साथ ही ले जाए, कूड़ा करकट गंगा जी को मैं कभी ना फेंकें, गंगा जी को साफ़ करने में सहयोग करें। और इवन कुछ लोग यहाँ पे आके दारू वारू पीते हैं, दारू वारू नहीं पीना चाहिए गंगा जी के सामने, ये सब बहुत गलत काम है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप देवभूमि में आए और देवभूमि को साफ और स्वच्छ रखने में आप सहयोग करें। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गंगा जी को साफ करने में आप इन लोगों की, और मतलब गंगा जी को क्या है? मतलब कुछ कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए सर, ये पूरा इंडिया आपका घर ही है एक तरह से। अपने घर पे आप क्या करते हो, अपने घर को साफ कर लेते हो, बाहर गंदगी फैला देते हो, यही लोग की थिंकिंग रहती है, सब अपने अपने घर को साफ करके दूसरों का घर गंदा करते हैं। सो इसलिए पूरा इंडिया आपका घर है, तो आप अपने घर को ही, पूरा इंडिया को अपना घर मान के उसकी पूरे इंडिया की सफाई करो। सो गाइस, हमने अभी धनौल्टी का प्लान बनाया है, अभी बम्बलबी में मैंने पेट्रोल भरवाया है, ये पेट्रोल पंप है, ये बस अड्डे के पीछे ही आपको मिलेगा HP का पेट्रोल पंप। यहाँ पर पेट्रोल हमने बाइकों पे फुल करवा लिया है पेट्रोल, उसके बाद हम धनौल्टी जा रहे हैं। अभी तो धूप खिली हुई है, देखते हैं कब तक खिली रहती है, गर्मी सी हो गई है। चलो चलते हैं, आज देखते हैं क्या होता है आगे। सो गाइस, अभी हम धनौल्टी जा रहे हैं, ये धनौल्टी का रास्ता है, यहाँ से चंबा जाएंगे, चंबा होते हुए हम धनौल्टी जाएंगे। और ये देखो बारिश पड़ने लगी, हो गया काम करो, अब बरसात ही निकालना पड़ेगा, हमें बरसात ही पहननी पड़ेगी। मूड ऑफ। तो भाई लोग, टेहरी और धनौल्टी जाने के लिए रैपिड टेस्ट और कोविड रिपोर्ट देखी जा रही है, यहाँ पे पुलिस को ऑफिशियल ने हम लोगों को रोक लिया है। मैं तो डबल वैक्सीनेटेड था, इसलिए मुझे तो परमिशन मिल जाएगी, इन बाबू साहब को सिंगल डोज लगी है इसलिए रोका है इनको, और इनका कोविड टेस्ट हुआ है, तो कोविड रिपोर्ट अभी ये बताएंगे क्या आया इनका। कोविड टेस्ट हुआ है तो उसमें खुशी की बात ये है कि नेगेटिव निकले हैं, और हम साथ ही धनौल्टी के लिए ऊपर जाएंगे। अगर मेरा नेगेटिव पॉजिटिव आता तो मुझे यहीं पे स्टे करना पड़ता, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना, 14 दिन के क्वारंटाइन कर देते हैं, और हम चारों लोग एक साथ जा रहे हैं, ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे अभी चारों लोग। आपको मिलते हैं फिर धनौल्टी में, धनौल्टी देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं, सुनने में आया रोड वोड तो सारी बह गई है, पर देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कह रहे बाइक तो निकल जाएगी, आप थूक चटकाते हुए जाओगे पर तुम्हारी चटक नहीं पाएगी, हम चटक नहीं निकलेंगे। चलो आगे मिलते हैं आप लोगों को। अभी लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड मिल रही है, वाटरफॉल झरने नाले निकल आए हैं जगह जगह से, कि पूरा रोड टूट गया, पूरा रोड, कितनी डेंजर कंडीशन हो रखी, वो देखिए पूरा रोड बह गया है। अरे माय गॉड, पूरी रोड बेकार हो गई है, पूरी रोड बेकार है, पूरी रोड फट गई है, माय गॉड, रियल एडवेंचर, पूरी रोड बह गई है गाइस, पूरी रोड, रोड तो है ही नहीं, ऊपर से पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है टेम्परेरी, होप कुछ डैमेज ना हुआ हो, किसी का एक्सीडेंट ना हुआ हो कुछ। मिट्टी धस रही है, रियल एडवेंचर हो रहा है, रियल एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर किसी चैनल पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मैगी खाने के यहाँ पे मैगी पॉइंट पे रुके हैं, देखते हैं मैगी वैगी मिलती है कि नहीं, क्या मिलता है यहाँ पे, क्या खाओगे, मैगी खाओगे, मैगी चाय कुछ पीते हैं, चाय पियोगे, तो चलो चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चंबा निकलेंगे, चंबा, चंबा कितनी दूर है अतुल भाई साहब बताइए,
वेज वेज या वेज वेज क्या है, क्या क्या है, क्या क्या ऑर्डर किया भाई? तीन मैगी। कौन सी है? वेज मैगी। नहीं मैं नहीं, मैं तेरे में से आधा खाऊंगा, आधा खाऊंगा। पूरी है, पूरी बची हुई है। अल्लाह ये देखो पूरा का पूरा पेड़ ही नीचे आ गया है। बहुत डेंजर रोड हो गई है इस टाइम। कैसी परीक्षा ले रहे हो भोलेनाथ, कैसी परीक्षा ले रहे हो हमसे? बादल पूरे सर पे आ गए हैं, पूरे बादल सर पे आ गए हैं। बादलों की महक अच्छी लग रही है, खुशबू खुशबू नहीं है मुंह में कुछ, जाता है अजीब सा टेस्ट लगता है, कड़वा कड़वा सा। बादलों को चक्के देखा है आप लोगों ने कभी? तो नेक्स्ट टाइम कभी पहाड़ों पे आना, मानसून सीजन में ना, तो बादलों को आपको चखने का भी मौका मिलेगा। पर थोड़ा देख के आना, लैंडस्लाइड बहुत होती है। दिल्ली नोएडा। आप लोकल हो यहाँ के? कहाँ रहते हो आप? मैं यही रहता हूँ, मेरा होम टाउन यही है। हाँ ये पूरा क्षेत्र और बाकी मैं देहरादून से। अच्छा देहरादून से। अबे धनवल्टी वाला रास्ता कैसा है? ऐसी है जैसा है सामने। नहीं मतलब रोड रोड खुले हैं कि नहीं? रोड रोड खुले कि नहीं? रोड ब्लॉक हो गई है, पत्थर पत्थर हटाया जा रहा है रोड से। देखिए लैंडस्लाइड ने पूरी रोड की है ऐसी तैसी कर दी है। रोड कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है पर लैंडस्लाइड जगह जगह हो गई ना, उसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी टफ हो गई है राइडिंग कंडीशन। बट आप लोगों को कंटेंट दिखाने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को M2 Travelers। सो गाइस फाइनली हम धनौल्टी आ गए हैं। धनौल्टी से 1 किलोमीटर पहले हमने होटल लिया है, अच्छा होटल है ये। पूरा होटल का टूर देता हूँ मैं आपको, बहुत मतलब अच्छा होटल है। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, पूरा लग रहा है इन्होंने अपना ऑर्गेनिक पूरी खेती कर रखी है। मॉर्निंग में अच्छा भी दिखेगा और धुंध हट जाएगी यहाँ से। ये पूरा होटल है, यहाँ पे एक बेड ये है, दूसरा बेड ये है। अभी पूरा मैसी हो गया, हमने सारे सामान फैला दिए हैं पूरे रूम में, पूरा गंदा कचरा कर दिया है। जानते हो राइडर क्या करते हैं, सारा सामान इधर उधर फेंक फाँक देते हैं। तो आज का स्टे धनौल्टी रहेगा, कल क्या करना है कहाँ जाना है उसकी अपडेट आपको कल वाले ब्लॉग में मिलेगी। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।